करा था रीट का जो सिलेबस है, मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि एक पक्ष रीट का लेवल टू वाले कह रहे बहाल कराओ, दूसरा पक्ष लेवल फर्स्ट वाले कह रहे रद्द कराओ, तो मैं किसका साथ दूं? मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, न बहाल में दूंगा न रद्द में दूंगा। न्यायालय में मामला है रीट लेवल टू को बहाल करने का और रीट लेवल वन को रद्द करने का। अब जो फैसला करना न्यायालय करना। हालांकि जो सीबीआई की जांच के लिए जो मेरी याचिका लगाई थी उसके लिए मैं जिजान लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इन माफियों को खत्म करने के लिए, राजनेता जो है जो संरक्षण दे रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए, और जो फर्जी तरीके से लग जाएंगे उनको बाहर करवा के योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं अंतिम सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। मैं कमेंट का जवाब बाद में दूंगा, एक बार मैं चर्चा करना चाहूंगा। रीट सिलेबस के लिए बोल चुका हूं और आज मीटिंग है, लेकिन जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों से आप बच कर रहे। यदि आप भ्रमित करने से क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए पूरे दिन भर रात मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि रात का नाम इसलिए ले रहा हूं, आपने देखा होगा कि 53 दिन तक हम लोग कभी लखनऊ कभी सड़कों पर पड़े हुए थे, मेहनत कर रहा। लेकिन ये अफवाह जब आप लोगों को भ्रमित करते हैं, आप लोगों को जब मुझे मैसेज मिलते हैं जिसमें जिस तरीके से मैसेज मिलते हैं मुझे बड़ा दुख होता है। आप सोचिए कोई राजनेता जिसको आपने एमएलए सांसद को चुना के आपके लिए भागता है, आपके लिए लड़ता है। कल का एक बार सभी से मेरा निवेदन है, मेरे फेसबुक पर मैंने डाल रखा कल जी न्यूज राजस्थान पर 3 घंटे की डिबेट थी, उसमें मेरा देखना कि मैं किस सरकार कितनी मजबूती से सरकार के सामने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कितनी मजबूती से आपकी आवाज उठा रहा हूँ। यार आप लोगों के लिए मैं सरकार से सीधी सुन लेता हूँ, सीधा टकराता हूँ। आप देख लीजिए, आप जिस लोगों ने भी मेरे कल की डिबेट देखी तो पता लग जाएगा कि इतनी मजबूती से आवाज आज तक आप लोगों की किसी ने उठाई गई। एक दो एमएलए और एक दो सांसद जरूर है जो आपकी लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार कल मैंने फर्जी डिग्री फर्जी डिप्लोमा फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी कल प्रमाणपत्र के लिए आवाज उठाई, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगा कि वाह क्या बात है, क्योंकि दिल से जान से आप लोगों की आवाज उठाता हूँ, लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। और जब तक ये फर्जी माफिया चाहे फर्जी डिग्री वाला हो डिप्लोमा वाला हो खेल प्रमाण पत्र वाला हो इस पर रोक नहीं लग जाए, जब तक नकल मुक्त पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बन जाए, मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा आप लोगों के। सीबीआई की जांच के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, और जो लंबित भर्तियां हैं जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती जिसके लिए सरकार अपने वादे से मुकर रही है, मैं उसे भूला नहीं हूं। मैं पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को कह देता हूँ, मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। क्योंकि हालांकि विभाग और अधिकारी बार बार हमें आश्वासन दे रहे हैं ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको भूला नहीं हूँ। जब तक वो भर्ती नहीं हो जाती मैं कांग्रेस का और पूरी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं, ये मेरा वादा है। इसके अलावा साथियों, रीट लेवल वन के जिला आवंटन के लिए लोग मैसेज कर रहे हैं, भैया कल मैंने ट्वीट कर दिया था तो लोग मुझे कहने लगे मैं आपका साथ दे रहा हूँ, फर्जियों का साथ दे रहा हूँ, बहुत लोगों ने आरोप लगाया। यानी कि सूचना देना भी मुझे लगा आजकल गलत है, यानी कि केवल मैंने पूछ के, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल और मैसेज नहीं करो, केवल सूचना देने काम किया था। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो नसीब होगा वो तय होगा, और जो किसी को भी चाहे पेपर रद्द वाले हो चाहे वो हो भर्ती कराने वाले, जो नसीब होगा वो तय होगा, नसीब पे आप ध्यान रखिए। और आज नहीं तो कल हो जाएंगे, होना है वो तो। लेकिन मान लीजिए आपका जिला आवंटन आज हो गया, न्यायालय को जो फैसला देना है जो आज या कल जो भी आएगा परसों जो भी आएगा वो सबको मान्य होगा। विशेष शिक्षक के जो भर्ती के अभ्यर्थी जो है लगातार आपके साथ ही, मैं अशोक को साथ लेके गया, एक अभ्यर्थी साथ जा रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि पदों की वो गणना करवा रहे हैं, जितने अधिक पदों हैं उतने पदों को निकालेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने आपसे वादा किया था अच्छे पद इस भर्ती में है। तो विशेष शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है मैं उनको कह दूँ, साथियों मैं आपके साथ पहले भी था आज भी, मैं जितनी मदद हो सकती है मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा। देखो भर्ती निकालना सरकार का काम है, मैं प्रयास कर सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, सड़क पे बैठ सकता हूँ, आपके लिए लाठियां खा सकता हूँ, वो मैं आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार था, जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूंगा साथ। और मैं विश्वास है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी, और सरकार वादा पूरा नहीं करेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं जब भी सीएमओ में जाता हूँ आपकी बात रखता हूँ, उन्होंने कहा है कि जब विज्ञप्ति जारी होगी तो अच्छे पद आएंगे, हमारे इस आपका मामला संज्ञान में, आपकी जो पदों की जो ज्यादा ज्यादा निकालने का वादा किया था वो याद है, यही मुझे वो कहते हैं, इसलिए मैं हाल लाइव में विशेष शिक्षा के बारे में बोल नहीं पाता। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, और जब विज्ञप्ति जारी होगी, जारी होने से पहले यानी कि रीट पात्रता के बाद हम एक्टिव हो जाएंगे और एक बार जाके उनको याद दिलाएंगे। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी आज जयपुर में अभी 1 बजे का उन्होंने प्रोग्राम रखा है मान सम्मान देने के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए। वो पीटीआई भर्ती के लिए और पशुधन सहायक भर्ती के साथ साथ नकल कानून के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज होगा जो समझते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं, यू आर लाखों युवा मेरे साथ है।
जो मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, जो अपनापन जताते हैं, जब भी मैं राजस्थान के किसी भी जिले में जाता हूँ, इतना मान सम्मान देते हैं, और वही मेरी ताकत है। युवा मेरी ताकत है, युवा मेरा स्वाभिमान है। इसलिए पूरी सरकार से, राजनेताओं से सीधा टकरा जाता हूँ, सीधा चुनौती के साथ मैं सीधा लड़ता हूँ, क्योंकि सच के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, सरकार के राजनेताओं, क्योंकि कई बार मैं वर्तमान सरकार के कांग्रेस के नेताओं से मिलता हूँ तो वो कहते हैं वास्तव में कई चीज़ें गलत है, आपको लड़ना चाहिए। यानी कि सामने, क्योंकि उनकी मजबूरी होती, नहीं बोल पाते, लेकिन वो बोलते कई जगह पेपर लीक को लेकर, कई जगह लेकर बोलते कि वास्तव में इसका खुलासा होना चाहिए। कई लोगों की सहमति, क्योंकि कई परिवारों में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके परिवारों में भी बेरोजगार तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे ये कहा था मंत्री जी के सामने, फोन किया था अगले वीक, यानी कि इस वीक के लिए कहा था, इंतजार करो विज्ञप्ति कभी भी जारी हो जाए। कृषि विभाग में जो अभियांत्रिकी वाली चयन भर्ती वाली, वो कैबिनेट से संशोधन होगा, उसके बाद वो विज्ञप्ति प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो पाएगी, विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। पंचायती राज चयन भर्ती के लिए हम अब एक चीज और बता दूं, 5 तारीख को ओबीसी आरक्षण को लेकर शहीद स्मारक पर सुबह 10 बजे आंदोलन है, कई राजनेता भी शामिल होंगे, कई अभ्यर्थी भी आएंगे। और फिर 23 मई को, क्योंकि 5 मई के बाद पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हम बाद में परमिशन देंगे, अचानक जल्दी नहीं देंगे, फिर 23 मई को बेरोजगारों की विभिन्न भर्तियों को लेकर 23 मई को फिर बड़ा आंदोलन है। क्योंकि कल ओबीसी का जो आंदोलन है, कई अभ्यर्थी मुझे कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ, आप ओबीसी को साथ नहीं देते हो, तो मैंने बताया कि मैंने एमबीसी का भी साथ दिया, मैंने ईडब्ल्यूएस का भी साथ दिया, एसटीसी का भी साथ दिया, और आप ओबीसी की बात करें तो आपके साथ गलत हुआ तो आपका भी साथ दूंगा। तो उनके साथ गलत, मुझे योगेश आया, उसने समझाया कि मेरे बूंदी में नंबर आया, मैं मेरिट में नंबर 1 था, और मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली, मुझे बाहर कर दिया गया। 33 सीट थी, 33 सीटों पे और लोग लग गए, तो मुझे लगा दुख हुआ कि मेरिट होल्डर बाहर है, तो उनकी पीड़ा समझी और मैं उनका साथ हूँ। और परमिशन के लिए कल मैं कमीशन कार्यालय में जाके एप्लीकेशन लगा दी, और 5 मई की परमिशन मिल जाएगी। और 5 मई के सभी युवा साथी है जो उनको लगता है कि आने वाली भर्ती परीक्षा में, यानी पटवारी में भी काफी अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, क्योंकि वो और लोगों से भर दिया जाएगा, तो तमाम युवाओं से, ओबीसी के तमाम युवाओं से अपील करना चाहूंगा, फिर मुझे मत कहना, क्योंकि 5 मई को जो आंदोलन था वो बेरोजगारों की विभिन्न भर्तियों, विभिन्न मुद्दों को लेकर था, चाहे नई भर्तियां हो, चाहे फर्जीवाड़ा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र इनके लिए हो, और चाहे जो लंबित भर्ती उनके लिए था, लेकिन ओबीसी के जो अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा, तो मैंने उन सारे मामलों को आगे बढ़ाते, यानी कि अब 23 मई को बड़ा आंदोलन होगा हर भर्तियों को लेकर, और पहले 5 मई को ओबीसी की, यानी कि आप लोगों की मांग को लेकर, क्योंकि आप कहते हो कि आप हमारा साथ नहीं दे, आप खुद ओबीसी से हो और साथ नहीं देते हो, तो मैं आपको बता दूं, मैंने हर व्यक्ति, हर भर्ती, हर युवा पीड़ित का साथ दिया। चाहे आप, मैंने पहले लाइव में बोला था कि मेरी 2016 के पीछे देखोगे तो उसमें एंड में बोला है, मैंने आवाज़ उठाई ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी के आर्थिक जो लोग हैं सामान्य, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, एमबीसी एसटीसी का, तमाम जो भर्तियों के मामले जो आए जिसमें नुकसान, हर व्यक्ति का साथ दिया। ओबीसी के लोगों ने कहा तो मैं साथ हूँ, खुला साथ हूँ, हर बेरोजगार के साथ हूँ। अभी पटवारी भर्ती का जो एक कमेटी का जो एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, उसकी भी मैं जांच करा रहा हूँ, वास्तव में उस रिपोर्ट से लग रहा है कि कुछ संदिग्ध लग रहा है, उसके लिए भी मैं जानकारी लीगल ले रहा हूँ मेरे साथियों से। ओबीसी आरक्षण के लिए 5 मई को सुबह 10 बजे तमाम लोगों को पूछा, इसके लिए मैं एक स्पेशल भी लाइव करूंगा तमाम साथियों के लिए। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति कब हो, कब एग्जाम हो, और रीट कि मैंने के बाद आयोजित शिक्षा भर्ती की एग्जाम अक्टूबर के बाद हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की कब हो, अब मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतने कमेंट मैसेज आते हैं, पहले फर्स्ट ग्रेड कराओ, कोई कह रहा सेकंड ग्रेड कराओ, कोई कह रहा 3 महीने, तो भैया आपस में तुम लड़ लो, फिर मुझे बता देना तुम क्या करना चाहते हो, आपस में लड़ते तुम और बीच में मुझे लेते हो, तो मैं तो ये कह सकता हूँ भर्तियां निकालो, अब नहीं बताऊंगा किसके एग्जाम कब करवाओ, अब जो करना सरकार को करना है। 2016 सेकंड ग्रेड के मामले में आज मिलूंगा इनका, 4-5 दिन से धरना आरपीसी के बाहर चल रहा है। अब देखो 2016 सेकंड ग्रेड 2 नंबर को सरकार के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की मीटिंग में कहा था कि ये इसकी पिकअप लिस्ट जारी को अटका दिया ना, अब पुनः अभ्यर्थियों के साथ में ही भागूंगा, जहाँ बेरोजगार पीड़ित हैं, ये भी बीएड वाले हैं ना, जो बीएड वाले कह रहे हैं कि आप साथ, ये भी बीएड वाले हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, आज मैं जाऊँगा, मैं प्रयास करूँगा, जहाँ सब लोग, प्रदेश का बेरोजगार थक जाता है, हार थक कर लास्ट में जब आता है तो उसके साथ भाग कर उसकी समस्याओं को हल कराने के लिए मैं जी जान लगाता हूँ, और अधिकतर समस्याओं का हल भी होता है और न्याय भी मिलता है, कोशिश करता हूँ। कभी अनुदेशक की विज्ञप्ति के लिए प्रयास जारी है, आरपीसी फाइल की थी, जल्द जल्द से आने के बाद आरपीसी से इसकी अधिसूचना जारी है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द हो, इसके लिए प्रयास लगातार करें, लगातार लोगों को कॉल मैसेज, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। दोहरी डिग्री, दिव्यांग, जो दोहरी डिग्री जो लोग बाहर से लेके आ रहे हैं यार, उनकी जाँच तो होनी चाहिए,
जो यहाँ राजस्थान से भी कर रहे हैं और बाहर से भी नियमित या से करें, प्राइवेट और नियमित चल सकती है। बोले रेगुलर करना है, प्राइवेट करे वो चल सकते, लेकिन दोनों नियमित वो नहीं चलेंगे, वो नियमों में भी नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बाहर से लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब वो फर्जी है, वो गलत है, तो उनकी जांच करे। इस संबंधित निदेशक मोदी जी को मैंने ज्ञापन दिया था और उसकी जांच भी चल रही है, वो बचेगा नहीं, फर्जी अभ्यर्थी कोई नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। जूनियर अकाउंटेंट की मैं मांग उठा रहा हूँ, कल ही बात रख के आया था मैंने, है ना। और इसके अलावा साथियों, सरसों निवासी वाला कोर्ट में एक बहन का फोन आ रहा था कि आजकल तो विधवा का भी जो सर्टिफिकेट बनता है, विधवा कैटेगरी में और सर्टिफिकेट जो इनका बनता है जिसका तलाक होता है, वो भी कई लोग फर्जी बना रहे हैं। ये भी शिकायत करी कि इस बार इतनी कटौत गई है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। तो साथियों, लगातार आप लोगों के बीच में हूँ, 1 बजे का प्रोग्राम है, अधिकतर चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, इस वजह से कार्यक्रम में समस्या आई, लेकिन मैं आप लोगों की एक चीज़ कह रहा था इस लाइव के माध्यम से कि साथियों, जब भी आप संकट में होगी तो पीएन यादव आपके साथ होगा। बहुत नेता आए थे ना, अब कहाँ है पता क्या, वो इंतजार करें किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और वो सड़कों पर आए। अरे सिलेबस से लेकर विज्ञप्ति एग्जाम तक जहाँ कोई समस्या होगी तो पीएन भाई आपके साथ होगा। आप गुस्से गुस्से में कुछ कहते हो वो मैं सुनता हूँ, लेकिन तुम प्यार भी देते हो इसलिए आपके साथ रहता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी है, मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जिलों के दौरे में जाता हूँ, हर जिलों के, मान लो अधिकतर जिलों में जाता हूँ, वहाँ मान सम्मान प्यार इतना मिलता है और सबको कहता हूँ किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। एक व्यक्ति खड़ा होकर ये विरोध नहीं करता है, ना सवाल पूछता है। तो मुझे अब एहसास हो गया कि जो सोशल मीडिया के वीर हैं वो किसी ट्रोल आर्मी के, किसी के भगत हैं, वो डरे हुए हैं कि उपेन यादव युवाओं में छाया हुआ है, युवा उनके साथ है, क्योंकि युवाओं के लिए सुबह शाम उपेन यादव मेहनत करता है, सड़क पे उपेन यादव सोता है, लाठिया उपेन यादव खाता है, अनशन उपेन यादव करता है, लखनऊ उपेन यादव जाता है। और जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं आपको, उनके मुंह पे आप लोगों को जवाब देना। जो हाँ, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि नियमों में नहीं है, हम संविदा पे भर्ती करवाएंगे, वही उपेन यादव ने कहा संविदा पे भर्ती नहीं होगी, ये नियमित भर्ती होगी, और उसके लिए राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश लखनऊ तक लड़ना पड़ा और 10,700 पदों से अधिक पर वो आज स्थायी भर्ती आ रही है, ये सबसे बड़ी जीत है। और जो कहते हैं कुछ नहीं किया, देख लीजिए एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पीटीआई भर्ती जो 420 पदों पर आई थी, रोक के दिखा दिया कि नहीं अधिक पद होना चाहिए, 5,000 से ज्यादा पद होने चाहिए और 6,007 पदों पर ला के दिखा दिया। तीसरा उदाहरण, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जिसको रद्द कर दिया गया था, उसको जिंदा करवा के सूची जारी करा दी। चौथा उदाहरण, टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए साफ मना कर दिया था, मंत्री ने मना कर दिया पद खाली नहीं, नहीं। उसकी विज्ञप्ति जारी करा दी। और आप देखोगे मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर देखोगे, जब कांग्रेस को समर्थन दिया था तब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी जी, वो खुद बोल रहे हैं कि उपेन यादव ने यह मांग की है कि प्रतियोगी परीक्षा देने वालों का किराया माफ होना चाहिए, और जो जब फरवरी 2021 में आंदोलन हुआ था बसों का किराया माफ वाला वक्त, वो भी हमारी देन थी, यानी कि हमारी एक बड़ी जीत थी। जयर भर्ती में जीके नहीं जोड़ा गया और 21 राज्यों में सेंटर दे दिए, 21 राज्यों सेंटर कैंसिल करके राजस्थान। अरे अब कितने उदाहरण दूं। सुप्रीम कोर्ट में 2016 के एसएलपी वापस करवाकर वेटिंग निकलवा दी, 2018 की जहां शिक्षा मंत्री जी ने मना कर दिया नहीं निकालूंगा, निकल जाओ, आज वो नौकरी कर। कितने उदाहरण तू बताइए कितने। और आज 1.5 लाख से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो दिल से याद करते हैं, सम्मान करते हैं, मैं जाता हूं ना तब प्यार देते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में मैं हूं। किसी भी एक भी बेरोजगार से बिना पैसे लिए जी जान से मेहनत करके लाठिया खाकर अनशन करके आज वो नौकरियां कर रहे हैं। इसलिए जो उपेन यादव, जो लोग कहते हैं कि उपेन यादव आगे कैसे पूछ गया, उपेन यादव नहीं, ये युवाओं की ताकत थी, उन माता पिताओं का प्यार था जिन्होंने मेरा हर संकट में साथ दिया, मुझे जेल में डाल दिया तब साथ दिया, अनशन पे रहा तो दुआ की, मैं जिंदा रहा, 3 बार आईसीयू में गया हूँ, इस बार चौथी बार था, 4 बार मैं आईसीयू में गया हूँ और 4 बार जिंदा लौट कर आया हूँ, क्योंकि लाखों युवाओं के माँ बाप का आशीर्वाद था, युवाओं का साथ था। और लगातार जो ये उदाहरण दिए मैंने, जो लोग पूछते ना उपेन यादव ने क्या किया, ये उदाहरण उनको देना, मेरे युवा साथी जो मुझसे जुड़े हैं उनको बताना कि यही उपेन यादव की सबसे बड़ी ताकत है और जीत है। और एक और चीज
भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर लीक और नकल के लिए गैर जमानती कानून, जिसके लिए 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की, 18 अक्टूबर को महेश जोशी जी ने अनशन तोड़वाया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। और अब फर्जी डिग्री डिप्लोमा दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए कानून की मांग कर रहा हूं, और ये कानून भी आएगा, और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता कम मिले, युवाओं को मौका मिले, इसके लिए मैं जी जान से लड़ रहा हूं। मेरे प्रदेश का बेरोजगार को मौका मिले, इसके लिए भी जी जान से लड़ रहा हूं। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द हो, उसके लिए लड़ रहा हूं। ये कोई नहीं लड़ने वाले, जो फालतू बात करते ना वो गायब हो गए, एक दिन आके चले जाते हैं। यहाँ 24 घंटे हर युवा के लिए लड़ता, सुबह शिक्षा मंत्री जी के जाके आया हूँ, अब लाइव आपके बीच में हूँ, 1 बजे से पहले अभी 12 बजे का टाइम कार्यालय पे दिया है, कार्यालय पे युवा बेरोजगार से मुलाकात करूंगा, और उसके बाद 1 बजे जो लोग युवा मुझे मान सम्मान के लिए बुलाए वहां उपस्थित होऊंगा, और उसके बाद सचिवालय जाऊंगा, सचिवालय में कार्य विभाग, और फिर सीएमओ में भी जाऊंगा, जो 2016 के अभ्यर्थी वहां बैठे, और जो अभ्यर्थी मेरे साथ यहाँ है उनको भी साथ लेके जाऊंगा, और शिक्षा विभाग में जाऊंगा, और शाम हो जाएगी, हर व्यक्ति के लिए भागता हूँ। चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालने की मांग करें, फोर्थ कर्मचारियों की भर्ती निकालने की मांग करें, हर चीजों के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज जो उदाहरण मैंने दिया है, एक दिन लेखा जोखा भी आएगा। मेडिकल ऑफिसर की मांग करेंगे दोस्त, टेक्निकल हेल्पर के लोग कह रहे हैं पद बढ़ाओ, लेकिन यार भाई मैं कितनी मार कह चुका हूं, अब एकजुट हो जाओ, मैं जितना सहयोग में सहयोग करूंगा। संस्कृत विभाग में भर्ती निकालने के बाद रीट के लिए जून के लिए कहा है, जून तक आएगी। तो युवा साथियों, उन लोगों को जवाब मिल गया जो सुबह से मैसेज कर रहे थे, अरे भाई जब जब आप संकट में आते हो तो उपेन यादव साथ रहता है, ये भ्रमित करने वाले गायब हो जाते हैं। ये जो भ्रमित कर रहे हैं ना, जब संकट में ये भी आते हैं ना, तो उनको एक ही चीज़ आती है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय या उपेन यादव याद आता है कि भैया मदद करिए, बचा लीजिए, और साथ हो जाता हूँ हर चीज़ भूल कर।